देर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस यू हैव टू टेक द स्टीयर्स यानी कि सफलता के लिए कोई एलिवेटर नहीं होती एलिवेटर का मतलब आप जानते ही होंगे लिफ्ट वगैरह जिससे आप जो काफ़ी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होती है उसमें एक माले से यानी yani कि एक मंजिले से दूसरे मंजिले में या आप किसी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अगर जाना चाहते हैं तो जल्दी पहुँच जाते हैं तो इसी तरीके की कोई भी लिफ्ट या एलिवेटर सक्सेस के लिए नहीं होती है आपको अगर सक्सेस पानी है तो आपको एक तरीके से जैसे स्टेयर्स में चल के यानी कि सीढ़ियों में चल के मेहनत करके ही आप सफलता तक पहुंच सकते हैं ठीक है तो इसलिए इसका कहने का अर्थ ये है कि सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप सफलता के लिए कोई आसान रास्ता अगर चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता ठीक है आसान रास्ते पर चल के सफलता नहीं मिलती है और अगर आप किसी काम को कर रहे हैं या किसी रास्ते पर चल रहे हैं और आपको अगर कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है कोई संघर्ष महसूस नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ ठीक है अगर आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हर क्षण अपना जो रास्ता है अपना जो काम है उसमें किसी ना किसी प्रकार की रुकावटें बाधाएं स्ट्रगल जो हैं वो ज़रूर आएंगे और अगर वो आ रहे हैं तो आप समझिएगा कि यू आर ऑन द राइट पाथ आप सही रास्ते पर चल रहे हैं अगर आपको रास्ते में बीच बीच में समय समय पर संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं और अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई दुख तकलीफ़ें आ ही नहीं रही हैं आपको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो वो आप समझिएगा कि वो सिर्फ रास्ता बेहतर है उस रास्ते की जो मंजिल है वो अच्छी नहीं है लेकिन अगर आप संघर्ष से भरे हुए रास्तों पर चल रहे हैं तो आपकी रास्ता भले ही कठिनाइयों भरा है चुनौती भरा है लेकिन उस रास्ते की जो मंजिल है वो बहुत ही बढ़िया है ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सफलता के लिए कोई एलिवेटर या नहीं होता कोई लिफ्ट नहीं होती है आपको स्टेयर्स पे चल के यानी कि मेहनत करके ही सफलता पानी होती है तो हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 21 सितंबर 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आइना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारे जो सी सेट की लाइव क्लासेस का जो बैच है पाँच अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है और बीस सेप्टेम्बर यानी कि कल के दिन इस बैच का इनमेंट वैसे पब्लिकली क्लोज हो गया है बट आप में से कुछ लोगों की ऐसी डिमांड है या कुछ लोगों को कुछ पेमेंट्स वगैरह में कुछ इशू आ रहा है तो उन लोगों की ये डिमांड है कि सर इसके एनरोलमेंट की डेट को और आगे बढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए हम इसकी एनरोलमेंट डेट को आगे बढ़ाने की के बारे में विचार कर रहे हैं और अगर कुछ भी एनरोलमेंट डेट आगे बढ़ती है तो आप को बता दिया जाएगा टेलीग्राम वगैरह के थ्रू है ना और अदरवाइज़ अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है अगर आप अगर आपका भी कुछ ऐसा इशू है और आप चाहते हैं कि एनरोलमेंट डेट आगे बढ़ाई जाए तो आप हमें यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नाइन वन फाइव जीरो डबल फोर ट्रिपल नाइन जीरो इस नंबर पर आप एक बार अपनी रिक्वेस्ट जो है वो प्लीज़ रजिस्टर करवा दें कि अगर ऐसा कुछ है तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इशू है और आप भी चाहते हैं कि इसकी इनमेंट डेट आगे बढ़ाई जाए तो ठीक है बाकी इस कोर्स में हम लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन तीनों ही पार्ट्स कवर करेंगे ओनली एट ट्रिपल नाइन में ये बैच है बाकी आप लोग इसका इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं फिलहाल इस पर एनरोलमेंट बंद है लेकिन अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो आप मैंने बताया कि आप अपनी रिक्वेस्ट को इस नंबर पर रजिस्टर करवा सकते हैं जो व्हाट्सअप नंबर है देन वी विल कंसिडर कि इसकी इनरोलमेंट को आगे ओपन करना है नहीं करना है कितने दिन के लिए करना है कब करना है वी विल कंसिडर इट ठीक है चलिए और बाकी आप में से जो लोग भी इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और अगर आपको ये सेशंस हेल्पफुल लगते हैं तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें पिछले महीने की तरह ही इस महीने का भी जो अभी तक कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है मैं आप लोगों को महीना एंड मंथ एंड होने के बाद पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन का डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पर बट लास्ट मंथ भी मैंने शेयर किया था बट लास्ट मंथ से अभी तक जो है वो कंट्रीब्यूशन कम है मैं आपको इतना बता देता हूँ अभी तक का स्टेटस है तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस इनिशिएटिव uh, में पार्ट लें और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करें इसका फ़ायदा यही होगा कि हमें थोड़ा सा हेल्प होगी और ये जो सेशंस है ये यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे ठीक है चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं हालाँकि आज तीन चार आर्टिकल्स हमें डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रंट पेज की बात करें तो फ्रंट पेज पर आपको पता है ये जो एक uh, तिरुपति मंदिर वाला जो इशू चल रहा है ठीक है ये इशू अभी दो दिन पहले शुरू हुआ है इसको लेकर जो वहाँ की सरकार है मतलब जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की दैट इज़ ये जो टीडीपी की सरकार है जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुख्यमंत्री हैं इनका ये कहना है कि तिरुपति में जो लड्डू बनाए जाते हैं जो प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं डिवोटीज़ को भक्तों को उस लड्डू बनाने के लिए जो घी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एनिमल फैट है ठीक है और इन्होंने आरोप लगाया है बेचल की बेसिकली जो वहाँ की पिछली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री है ना वाई कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वाई एस जगनमोहन रेड्डी तो उनकी सरकार के ऊपर जो है इन्होंने आरोप लगाया है कि ये ऐसे सप्लायर्स वगैरह से जो है वो घी लिया करते थे जिसमें ये पाया गया है कि घी में जो है वो एनिमल फैट था ठीक है इस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं तो ये एक बड़ा ही सेंटिमेंटल इशू भी है ठीक है अपने आप में एक मतलब एडल्ट्रेशन का तो इशू है ही है कि अगर इस तरीके के घी का इस्तेमाल किया जा रहा था तो और दूसरी बात यह है कि ये क्योंकि मंदिर में प्रसाद उस घी से बन रहा था उस तरीके के घी से अगर ये बात सही है तो तो ये एक बड़ा ही सेंटिमेंटल इशू भी है ठीक है इसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट जो केंद्र सरकार ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई थी उसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है वो हम देखेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पर कोलिजियम का यहाँ पर कहा को लेकर यहाँ पर कहा गया है कि कोलिजियम नॉट अ सर्च पैनल गिव रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ पेंडिंग नेम्स एस सी टेल्स गवर्नमेंट ठीक है सरकार ने अटर्नी जनरल के थ्रू सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने अटर्नी जनरल के थ्रू सरकार से ये बात पूछी है कि जो कोलिजियम नाम देते हैं है ना जो भी नाम अपॉइंटमेंट्स के लिए जजेस के या ट्रांसफ़र के जजेस के लिए जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं कोलिजियम के द्वारा उनके अपॉइंटमेंट में इतनी देरी क्यों हो रही है उसको लेकर यहाँ पर बातें जो है वो कोर्ट ने पूछी हैं और कोर्ट ने यह कहा है कि कोलिजियम कोई सर्च पैनल या कोई सर्च कमेटी नहीं है कि जिसके नाम को आपने चाहा तो अपॉइंट किया चाहा तो अपॉइंट नहीं किया ऐसा नहीं होता है कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था अगर आपको याद हो है ना ये जो हिमाचल प्रदेश का एक हाई कोर्ट का मामला था जिसमें दो अपॉइंटमेंट्स को लेकर हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर मैंने आपको एक ये पॉइंट बताया था कि कोलिजियम के जो रिकमेंडेशंस हैं ठीक है थीके? उनको एक तरीके से अपॉइंट करना उसको लेकर सरकार बाउंड है ठीक है डीले बेसिकली सरकार कर सकती है बट उसको अपॉइंट करना मैंडेटरी है सरकार के लिए एक तरीके से तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पेंडिंग नेम्स का स्टेटस है जो इन लोगों का मतलब अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया कोलिजियम ने उनके नाम को रिकमेंड किया है तो उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पर पूछा गया है ठीक है चलो इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े हैं तो यहाँ पर बीच में तो ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है ठीक है नॉट इवन इन आइडियाज एंड एडिटोरियल पेज एक्सप्लेन पेज पर दो तीन आर्टिकल हमें देखने हैं और उसके बाद एक न्यूज़ हमें देखनी है इकोनॉमी वाले पेज पर ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो एक तो ये न्यू वाइट रिवोल्यूशन का यहाँ पर एक जिक्र हुआ है इसकी बात करेंगे फिर ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैक्ट चेक यूनिट ऑर्डर है ये जो फैसला आया है इसकी बात करेंगे और एक यहाँ पर आर्टिकल साइंस एंड टेक रिलेटेड है कि हाउ स्टार लिंक सेटेलाइट आर ब्लाइंडिंग एस्ट्रोनॉमर्स कि कैसे जो स्टार लिंक के सैटेलाइट्स से, हैं उसकी वजह से एस्ट्रोनर्स को जो है वो तकलीफ हो रही है इस बारे में बात करी जाएगी और एक आर्टिकल जो है वो हमारा इकोनॉमी वाले पेज पर पे है एफ रिपोर्ट ऑन इंडिया ठीक है एफ एफ जो है दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी इंडिया को लेकर एक रिपोर्ट आई है और उन जो भी ऑब्जर्वेशन्स एफ डी एफ के द्वारा किए गए हैं इंडिया को लेकर उनका क्या महत्व या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ठीक है तो बेसिकली ये आज के हमारे चार आर्टिकल्स रहेंगे जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है तो एक एक करके इन आर्टिकल्स का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन अ न्यू वाइट रिवोल्यूशन वेयर इंडिया एम्स वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड वेयर इट एम्स टू बी यानी कि वाइट एक नए वाइट रिवॉल्यूशन, एक नए सफ़ेद क्रांति की हम लोग यहाँ पर श्वेत क्रांति सफ़ेद क्रांति की बात करेंगे और भारत इसको लेकर कहाँ पर खड़ा है और कहाँ पर पहुँचना चाहता है क्या उसका लक्ष्य है तो उस बारे में बात करते हैं देखो 1970, 1970 में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था दैट वाज ऑपरेशन फ्लड सुना होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में और यहीं से शुरुआत होती है वाइट रिवॉल्यूशन की ठीक है वाइट रिवॉल्यूशन जिसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है और इसने हमारे देश के जो डेयरी सेक्टर है जो डेरी क्षेत्र है उसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म पूरी तरीके से कर दिया अब परसों के दिन यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर दैट इज़ अमित शाह इन्होंने अनाउंस किया है दैट इज़ प्लान्स फॉर वाइट रिवॉल्यूशन टू कि एक नया वाइट रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है दैट इज़ वाइट और उसके लिए प्लान्स यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं अब जो आइडिया है वाइट रेवोल्यूशन टू पॉइंट का ये रिवॉल्व करता है अराउंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज ठीक है इसका जो मेन मतलब आप कह सकते हैं जो सेंटर पॉइंट है फोकस पॉइंट है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच वो दैट रॉक ऑफ ऑपरेशन फ्लड फाइव डीकेट जगो और यही ऑपरेशन जो हुआ था ऑपरेशन फ्लड आज से लगभग आप कह सकते हैं चौहत्तर सत्तर में हुआ था तो अराउंड पचास चौवन साल के आसपास हो गए हैं तो पाँच दशक पहले ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं यही आधार बनी थी है ना यही बेस बनी थी किसका ऑपरेशन फ्लड का भी अब डेरी कोऑपरेटिव्स जो हैं 2023-24 में इनकी अगर हम बात करें तो डेरी कोऑपरेटिव्स लगभग एक दिन का 660 लाख किलो दूध जो है वो खरीद रही थी प्रोक्योर कर रही थी और सरकार जो है वो चाहती है कि दो हजार तक ये जो डेटा है ये या आप कह कि मोर देन वन थाउजेंड लैक के पर डे इतना प्रोक्योरमेंट चाहती है सरकार हो 28 उन्तीस तक अब इसके लिए इसने एक स्ट्रेटजी बनाई है सरकार ने ऑफ एक्सपेंडिंग द कवरेज एंड डीपनिंग द रीच ऑफ कॉपरेटिव कि कॉपरेटिव की जो रीच है उसको बढ़ाया जाए है ना उसकी कवरेज को बढ़ाया जाए कवरेज को एक्सपेंड किया जाए और रीच को और ज़्यादा डीप किया जाए तो ये इस तरीके के यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई गई है अब वाइट रिवोल्यूशन 2.0 पॉइंट विल इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ डेली कॉपरेटिव इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो डेली कॉपरेटिव्स हैं वो जितना दूध खरीद रहे हैं उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है तो विल इंक्रीज द मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ डेली कोऑपरेटिव बाय 50 परसेंट ठीक है 50 परसेंट जो है वो इसको बढ़ाया जाएगा ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस टू डेयरी फार्मर्स इन अनकवर्ड एरियाज यानी कि जो एरियाज अभी तक कवर्ड नहीं है वहाँ के डेरी फार्मर्स को मार्केट की एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही साथ डेयरी कोऑपरेटिवस का शेयर बढ़ाया जाएगा इंडिया ऑर्गेनाइज सेक्टर तभी ये जो प्रोक्योरमेंट है दूध का वो ज़्यादा हो सकता है दिस विल ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बात है कि अब ये सब चीज़ें होंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा ठीक है वीमेन क्योंकि इस सेक्टर में जुड़ी होती हैं तो विमेन का एम्पावरमेंट भी होगा अब स्कोप फॉर एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है सहकारिता मंत्रालय इसको हिंदी में कहते हैं ये जब से बना है 2021 में इसका फोकस यही रहा है कि कोऑपरेटिव्स के नेटवर्क को बढ़ाया जाए पर्टिकुलरली जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनके और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसके ऑफिशियल्स के अनुसार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बेसिकली हमारे देश में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका रेगुलेटर है ठीक है इनके ऑफिशियल्स के अनुसार डेयरी कोऑपरेटिव जो है वो देश के लगभग सत्तर प्रतिशत जिलों में ऑपरेट करता है ठीक है 1.7 लाख के आसपास डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि दो लाख विलेजेस को कवर करती हैं मतलब जितने हमारे देश के टोटल विलेजेस है, हैं गांव हैं उनमें से 30 प्रतिशत को ये कवर करती है अराउंड टू लाख के आसपास और 22 परसेंट ऑफ़ द प्रोड्यूसर हाउस होल्ड इनको कवर किया जाता है अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये देश का जितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है दस परसेंट उसमें से क्या करते हैं ये प्रोक्योर करते हैं मतलब इतने की खरीदी करते हैं और सोलह परसेंट जो मार्केटेबल सरप्लस है मार्केटेबल सरप्लस का मतलब हो गया कि जो जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूसर्स कुछ तो खुद के लिए रखते हैं खुद के कंजम्पन के लिए और कुछ ऐसा है जो सरप्लस को मार्केट में सेल किया जाता है तो वो हो गया मार्केटेबल सरप्लस तो ये कोऑपरेटिव जो है वो लगभग कंट्री का जो मिल्क प्रोड्यूस प्रोडक्शन है उसका दस परसेंट खरीदते हैं और मार्केटेबल सरप्लस का लगभग सोलह परसेंट अब यहाँ पर कुछ राज्यों का जिक्र है जैसे कि गुजरात केरला और सिक्किम इन राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी में सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द वलेजेस जो हैं वो डेयरी कोऑपरेटिव से कवर्ड हैं फिर कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर की यूटी हो गई यहाँ पर कवरेज जो है वो बहुत कम है ठीक है ओनली टेन टू ट्वेंटी परसेंट है और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल आसाम उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश और स्मॉलर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट यहाँ के सिर्फ दस प्रतिशत से कम गांव, दस प्रतिशत से कम विलेजेस जो हैं वो डेयरी कोऑपरेटिव से कवर्ड है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं खासकर तीन राज्य इन्होंने बताए हैं दैट इज गो गुजरात केरला सिक्किम और एक यूटी ऑफ पोर्ट पुडुचेरी जहाँ के सत्तर परसेंट के आसपास मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द विलेज जो हैं वो डेयरी कोऑपरेटिव से कवर है ठीक है अब कवरेज और फंडिंग की अगर हम बात करें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एक्शन प्लान बनाया है कि लगभग छप्पन हज़ार फिफ्टी सिक्स थाउजेंड नए मल्टीपरपज डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं अगले पाँच सालों में इस्टेब्लिश किए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग विलेज लेवल के डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं फोर्टी सिक्स थाउजेंड छियालीस हज़ार के आसपास इनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा स्ट्रेंथन किया जाएगा और कैसे मजबूत किया जाएगा इनको ज़्यादा एडवांस्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और ज़्यादातर जो नए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये किन राज्यों में बनेंगे दैट विल बिन उत्तर प्रदेश उड़ीसा राजस्थान और आंध्र प्रदेश ठीक है फरवरी 2023 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक तीन दशमलव आठ करोड़ का थ्री पॉइंट एट करोड़ का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टू सेटअप डेयरी कोऑपरेटिव इन अनकवर्ड ग्राम पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जींद हरियाणा मध्य प्रदेश के इंदौर में और कर्नाटक के चिकमंगलूर में द सेवेंटी नाइन डेरी कोऑपरेटिव द पार्ट ऑफ द पायलट आर टूगेदर प्रोक्योरिंग फिफ्टीन थाउजेंड लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फार्मर्स मतलब जो इस तरीके के डेली कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी थी इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो आज की डेट में पंद्रह हजार लीटर के आसपास दूध जो है वो डेली प्रोक्योर कर रही हैं खरीद रही हैं लगभग ढाई हजार फार्मर से अब इसके लिए जो फंडिंग का जिक्र है वाइट रिवोल्यूशन टू पॉइंट ओ के लिए जो ज़्यादातर फंडिंग है वो कहाँ से आएगी नेशनल प्रोग्राम फॉर डेरी डेवलपमेंट टू पॉइंट ओ यहाँ से आएगी ये एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के सोर्सेस या सूत्रों का कहना है कि जो वाइट रिवोल्यूशन टू पॉइंट ओ का टारगेट है उसको भी इस प्रपोज्ड स्कीम के अंदर सब्ज्यूम किया गया है और द डिटेल्स ऑफ विच आर करेंटली बिंग फाइनलाइज अभी इसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो फाइनलाइज हो रही हैं इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू सेटअप विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम ठीक है हर विलेज के लेवल पर मिल्क को खरीदने का मिल्क को प्रोक्योर करने का सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा चिलिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी क्योंकि ऑब्वियसली मिल्क एक पेरिशेबल uh, प्रोडक्ट है जो जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए चिलिंग फैसिलिटीज़ चाहिए ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी जो है वो की जाएगी सो दैट इससे जुड़े हुए लोग जो है वो सही तरीके से काम कर पाएँ इसके बाद लगभग एक हज़ार मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी एट द रेट ऑफ फोर्टी थाउजेंड पर एम पी ए सी एस फ्रॉम द रिसोर्स ऑफ एन डी डी बी ठीक है अब इसके बाद अगर भारत में हम मिल्क सिनेरियो की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर दुनिया का सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोड्यूसर या मिल्क प्रोड्यूस करने वाला या दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है भारत प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 230.58 मिलियन टन पहुंच गया है प्रोडक्शन 2022-23 में जबकि नाइनटीन फिफ्टी वन उन्नीस में देश का जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ 17 मिलियन टन के आसपास था ठीक है ये बढ़ के अब 230 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है जो एवरेज यील्ड है अगर हम कौन से एनिमल में से कितनी येल्ड हो रही है कितना दूध वो दे रहे हैं तो अगर हम एक्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड एनिमल्स की बात करें तो इनमें यील्ड ज़्यादा है 8.55 पॉइंट है पर एनिमल पर डे और वहीं अगर जो इंडिजीनियस या नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स हैं उनमें यील्ड बहुत कम है 3.44 पॉइंट के के आसपास ठीक है एक्जॉटिक या क्रॉस ब्रिड एनिमल्स आप समझते हैं जो मतलब यहाँ की प्रजातियाँ नहीं हैं जो इंडिया की नेटिव प्रजातियाँ नहीं हैं उनमें से इंडिजीनियस प्रजातियां मतलब जो यहाँ की हैं और नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि जिनके ओरिजिन के बारे में पता नहीं है इसके बाद पंजाब की अगर हम यील्ड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है थर्टीन पॉइंट फोर नाइन साढ़े तेरह किलो प्रति एनिमल प्रति दिन ठीक है एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड की लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वहाँ पर सिक्स पॉइंट थ्री के जी पर एनिमल पर डे है मतलब ये जो आप कह सकते हैं जो यील्ड है ये एनिमल की ब्रीड के ऊपर भी वेरी कर रही है और अगर हम बात करें रीजन टू रीजन तो वहाँ पर भी ये वेरी कर रही है नेशनल पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इस 459 फिफ्टी नाइन ग्राम्स पर डे ठीक है नेशनल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि देश में जितने भी आबादी है उसके लिए कितना दूध अवेलेबल है प्रतिदिन वो है साढ़े चार सौ ग्राम के आसपास जो कि ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है हालांकि ये नंबर जो है वेरी करता है महाराष्ट्र में थ्री ट्वेंटी नाइन ग्राम्स है और वहीं ये पंजाब में इलेव ट्वेल्व एट्टी थ्री ग्राम्स हो जाता है ठीक है तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो भी रीजन वाइज चेंज हो रही है इसके बाद एक बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टेटिस्टिक्स है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का उसके अनुसार जो टॉप फाइव मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं तो सबसे ज़्यादा दूध जो है उसका उत्पादन हो रहा है यूपी में इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा राजस्थान में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में चौथे में गुजरात और पाँचवें में आंध्र प्रदेश और टोटल ये पांच राज्य मिलके जो टॉप फाइव मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये देश का टोटल 53.08 परसेंट ऑफ़ द टोटल मिल्क प्रोड्यूशन का मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें यील्ड की है ना यील्ड इन के पर एनिमल पर डे वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है वहीं अगर हम बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की तो वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पंजाब इज़ नॉट इन द टॉप फाइव मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये ध्यान रखना ठीक है इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि टोटल लगभग थर्टी टू परसेंट ऑफ़ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंडिजीनियस बफेलोज से आता है मतलब हमारे देश की जो भैंसें हैं जो बफेलोज हैं वहाँ से आता है ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट वन परसेंट जो है वो क्रॉस ब्रीड कैटल से आता है ठीक है नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज जो है नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिनके ओरिजिन का पता नहीं है कि क्या वो इंडिजीनियस है या फिर वो क्रॉस ब्रीड वगैरह हैं तो ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन वहाँ से आता है इंडिजीनियस कैटल से टेन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट आता है नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल से नाइन पॉइंट थ्री वन परसेंट आता है गोट मिल्क का जो शेयर है वो थ्री पॉइंट थ्री परसेंट है और एक्जोटिक काउस की अगर हम बात करें तो ओनली वन पॉइंट एट सिक्स परसेंट है अब टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है ये 2018-19 में एक मिलियन टन था बढ़ के दो मिलियन टन हो गया है दो हज़ार में लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुआ है ठीक है ग्रोथ तो हो रही है एक से 230 हो गया है लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट है कि कितना बढ़ रहा है इस साल फिर अगले साल कितना बढ़ रहा है फिर अगले साल कितना बढ़ रहा है तो उसका अगर आप एक रेट निकालेंगे तो वो जो बढ़ोतरी हो रही है उस बढ़ोतरी की दर में गिरावट आई है ठीक है बढ़ोतरी तो हो रही है ग्रोथ तो हो रही है है ना लेकिन वो ग्रोथ का जो रेट है वो उसमें गिरावट आई है ठीक अब जो मिल्क ग्रुप है दैट इज कम्प्राइजिंग मिल्क कंज्यूम्ड और सोल्ड इन लिक्विड फॉर्म घी बटर एंड लस्सी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर है उसमें अगर हम इसकी बात करें तो फोर्टी परसेंट के आसपास जो है वो मिल्क ग्रुप से यहाँ पर मिल रहा है एंड दिस इज़ फोर्टी परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फॉरेस्ट्री फिशिंग सेक्टर अगर आप इन सब सेक्टर्स को भी मिला दें ठीक है तो फोर्टी परसेंट यहाँ से आ रहा है और ये सीरियल से बहुत ज़्यादा है द डेयरी सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड्स टू मोर देन एट पॉइंट फाइव करोड़ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और जिसमें से ज़्यादातर जो है वो महिलाएँ हैं साढ़े आठ करोड़ लोगों को ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है वो रोजगार दिया हुआ है इस सेक्टर ने सिक्सटी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में आता है रिमेनिंग लगभग थर्टी सेवन परसेंट के आसपास जो है वो बताया मैंने आपको प्रोड्यूसर्स खुद के लिए रखते हैं खुद के कंजम्पन के लिए टू थर्ड ऑफ द मार्केटेबल मिल्क इज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर दो तिहाई जो मिल्क है मार्केटेबल मिल्क मतलब जो मार्केट में आ रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कोऑपरेटिव हैं उनका शेयर बहुत ज़्यादा है मेजर शेयर मतलब उन्हीं का है कोऑपरेटि का ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में ठीक है तो इसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज वगैरह किया जाए तो ये चीज़ें थोड़ा सा और बेटर हो सकती हैं और जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं उसको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है ठीक है तो आई होप आप ये आर्टिकल समझ गए अबाउट द वाइट रिवोल्यूशन टू पॉइंट ओ इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट आर्टिकल बैठा है मैंने आपको हाई कोर्ट का जो फैक्ट चेक यूनिट का जो ऑर्डर आया है इसको लेकर अगर बात करें तो इसमें देखो क्या लिखा है बॉम्बे हाई कोर्ट का यह मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल के दिन फ्राइडे के दिन स्ट्रक डाउन किया है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अ की प्रोविजन ऑफ द अमेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल्स 2021 ट्वेंटी वन विच पावर्ड दवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू अ फैक्ट चेक यूनिट ठीक है जिसमें यह बोला गया है कि जो सरकार के द्वारा फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया था और उसका पर्पज़ क्या था कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना ऐसी पावर सरकार को मिली थी जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को अमेंड किया गया था ठीक है उसमें एक ये प्रोविजन था फैक्ट चेक यूनिट का तो इसको बॉम्बे कोर्ट ने कहा है कि ये अनकन्स्टिट्यूशनल है या असंवैधानिक है और इसको, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है अब ये कैसे हुआ पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो हम यहाँ पर समझते हैं नाइन्टी नाइन पेज का ये रूलिंग है फैसला सुनाया गया है जस्टिस एस अतुल एस चंदूरकर के द्वारा इसमें हुआ क्या था कि दो जजों की बेंच थी पहले का मैं मामला आपको बता रहा हूँ दो जजों की बेंच थी दैट इज एक थे जस्टिस गौतम एस पटेल ठीक है और दूसरे जस्टिस यहाँ पर थे जस्टिस नीला गोखले ठीक है तो पहले यह मामला जो है वो दो जजेस की बेंच के पास था और दोनों जजेस ने जो है वो अपना एक स्प्लिट वर्डिक दिया था मतलब एक ने एक बात कही थी और दूसरे जज ने दूसरी बात कही थी तो जस्टिस पटेल जो है उन्होंने ये अमेंडेड रूल्स को स्ट्रक डाउन किया था और जस्टिस नीला गोखले ने जो है इन रूल्स को अपहेल्ड किया था मतलब इनको सही माना था तो ऑब्वियसली बात है कि अभी स्प्लिट वर्डिक्ट को कहीं की तरफ तो ले जाना है क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट में दो जजेज ने अगर फैसला दिया एक ने जो है वो कहा कि जो अमेंडेड रूल्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और दूसरे जज के द्वारा कहा गया कि ये जो रूल्स हैं वो ठीक हैं अपहेल्ड कर दिया गया उनको उनको सही माना गया तो अब ऐसे में फैसला कैसे हो तो फिर इसलिए एक तीसरे जज का यहाँ पर जिक्र हुआ है दैट इज जस्टिस अतुल एस चंदुरकर और इन्होंने जो है वो साइड ली है किसकी जो फैसला सुनाया गया जस्टिस गौतम एस पटेल के द्वारा क्योंकि उन्होंने भी इन अमेंडेड रूल्स को स्ट्रक डाउन किया तो उन्हीं के साइड लेते हुए या उन्हीं की उन्हीं का जो फैसला था उसके पक्ष में इन्होंने भी फैसला दिया है ठीक है अब आगे इसको और डिटेल में समझेंगे यहां तक आई होप आप बात समझे अब लॉ इन क्वेश्चन यानी कि किस कानून के ऊपर किस लॉ के ऊपर जो है वो सवाल उठ रहे हैं तो देखो अप्रैल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आई यानी कि इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023 ठीक है ये रूल्स लेके आए जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को अमेंड किया अब इन अमेंडेड रूल्स में जो बेसिकली आई रूल्स 2021 का रूल नंबर थ्री वन बी फाइव था उसमें क्या किया एक्सपेंडेड द जनरल टर्म फेक न्यूज उसमें फेक न्यूज जो टर्म है उसका उसको एक्सपेंड करके उसमें बिजनेस गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो इंक्लूड किया गया अब इन रूल्स के अंतर्गत अगर एक फैक्ट चेक यूनिट कम्स अक्रॉस और इज इनफॉर्म्ड अबाउट एनी पोस्ट दैट आर फेक फॉल्स और कंटेन मिसलीडिंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इट वुड फ्लैग इट टू सोशल मीडिया सोशल मीडिया इंटरमीडियट इज तो यानी कि अगर फैक्ट चेक यूनिट जो है अगर वो खुद से ठीक है कम एकरोस का मतलब है कि अगर वो खुद से या उसको इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई भी पोस्ट जो है वो फेक है फर्जी है फॉल्स है गलत है या उसमें गवर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ़ द गवर्नमेंट को लेकर मतलब सरकार से जुड़ी किसी भी बात को लेकर कोई मिसलीडिंग फैक्ट दिया गया है कोई गुमराह करने वाला तथ्य दिया गया है तो उसके पास ये पावर आ जाएगी किसके पास फैक्ट चेक यूनिट के पास कि वो इस तरीके की इंफॉर्मेशन को या इस तरीके की पोस्ट को क्या कर सकता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जहां पर भी मतलब ये पोस्ट होगी उसको फ्लैग कर सकता है मतलब वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी से कहेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो पोस्ट है ये क्या है ये क्या है ये गलत पोस्ट है ठीक है क्योंकि वो गवर्नमेंट बिजनेस को लेकर क्या कर रही है या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है या कोई फेक इन्फॉर्मेशन दे रही है या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है ठीक है अब उसके बाद जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं ऑनलाइन इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ठीक है अब ये जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज हैं जब उनको ये इन्फॉर्मेशन फ्लैग की गई चेक यूनिट के द्वारा तो दे वुड डाउन सच कंटेंट ठीक है उनको वो कंटेंट क्या करना पड़ेगा टेक डाउन करना पड़ेगा यानी कि अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा इफ़ दे वॉन्टेड टू रिटेन देयर सेफ हार्बर अगर वो अपना सेफ हार्बर जो है वो रिटेन करना चाहते हैं तो अब सेफ हार्बर का मतलब यहाँ पर क्या होता है दैट इज़ लीगल इम्यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी कंटेंट पब्लिश बाय देम यानी कि अब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है ठीक है लाइक आप कह लीजिए फेसबुक है व्हाट्सएप है इंस्टाग्राम है ट्विटर है कुछ भी है दे ऑल आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरीज अब वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति कोई पोस्ट करता है ठीक है तो वो उस आ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तो पोस्ट नहीं की है वो तो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा पोस्ट की गई है ठीक है तो उस पोस्ट को लेकर अगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई ना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर चाहता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट अगर चाहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश की गई है जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म पर पब्लिश की गई है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है ना थर्ड पार्टी पोस्ट अगर उसको लेकर वो चाहता है कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई लीगल एक्शन ना हो उनको लीगल इम्यूनिटी मिले तो उनको ये काम करना पड़ेगा यानी कि अगर फैक्ट चेक यूनिट ने बता दिया कि कोई भी जो पोस्ट है वो ठीक नहीं है वो फेक है मिसलीडिंग है है ना तो उसको टेक डाउन करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनकी लीगल इम्यूनिटी बनी रहे तो वो लीगल इम्यूनिटी बनी रहे वाला जो क्लॉज है उसी को सेफ आर्बर कहा जाता है ठीक है यहाँ तक बात समझे अब जो ये रूल्स हैं दे रेस्ड कंसर्न ओवर फ्री स्पीच तो फ्री स्पीच को लेकर यहाँ पर सवाल उठे है ना फ्री स्पीच को लेकर चिंताएँ उठी एन द एक्सटेंड टू विच द गवर्नमेंट कैन रेगुलेटेड और दूसरा ये भी कि फ्री स्पीच को सरकार जो है वो किस हद तक रेगुलेट कर सकती है फ्री स्पीच को सरकार किस हद तक रेगुलेट कर सकती है क्योंकि एक तरीके से ये फैक्ट चेक यूनिट के तहत सरकार क्या करना चाह रही है जो फ्री स्पीच है उसी को रेगुलेट करना चाह रही है तो किस हद तक सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है इस तरीके की चिंताएँ जो हैं वो यहाँ पर सामने आती हैं द फैक्ट चेक यूनिट अलाउड द गवर्मेंट टू बी दी ओनली आर्बिटर ऑफ ट्रूथ इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कंसर्निंग इट सेल्फ और इसमें यह भी कहा गया कि जो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है उसको, उसको लेकर जो आर्बिटर है मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार से रिलेटेड पब्लिश की जाती है तो क्या वो सही है या नहीं है उसको लेकर जो फैसला है वो सिर्फ सरकार ही ले सकती है और कोई नहीं ले सकता ओनली आर्बिटर का मतलब यही है ठीक है अब हाउ डिड द मैटर कम बिफोर द जस्टिस चंदूरकर अब जस्टिस अतुल एस चंदूरकर के सामने यह मामला कैसे आया तो देखो मैंने आपको बताया कि जनवरी के महीने में स्प्लिट वर्डिक्ट आया था है ना तो एज पर द रूल्स ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से ऐसे में अगर दो जजों की बेंच के सामने मामला हो और उन्होंने अपना फैसला जो है वो अलग अलग दिया हो स्प्लिट वर्डिक्ट आया हो तो केस को जो है वो एक तीसरे जज को रेफर किया जाता है और वो उस मामले की पूरी शुरुआत से बिल्कुल फ्रेश तरीके से सुनवाई करते हैं अब जस्टिस चंदूरकर को ये टास्क जो है वो असाइन किया गया सात फरवरी के दिन ग्यारह मार्च के दिन इन्होंने जो है वो मना कर दिया रिफ्यूज कर दिया टू ग्रांट स्टे ऑन द नोटिफिकेशन टू अप द एफ सी एफ सी यू एंटिल ही गेव इज फाइनल ओपिनियन ठीक है इन्होंने जो है वो रिफ्यूज कर दिया टू स्टे टू ग्रांट स्टे ऑन द नोटिफिकेशन टू सेटअप दी एफ सी यू एंटिल ही गेव इज फाइनल ओपिनियन इन्होंने ये कहा कि एफ सी यू सेटअप करने को लेकर जो नोटिफिकेशन की बात यहां पर की गई थी उसके ऊपर इन्होंने स्टे लगाने से रिफ्यूज टू ग्रांट स्टे स्टे लगाने से मना कर दिया ठीक अब इनका जब अंतरिम ऑर्डर आया तो उसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जो एप्लीकेशन है दैट इज सीकिंग द स्टे विथ टू वन मेजोरिटी उसको डिसमिस कर दिया बीस मार्च के दिन सेंटर ने नोटिफाई कर दिया एफ को क्योंकि तो एफ के स्टे के ऊपर स्टे लगाने से तो उन्होंने मना कर दिया तो एफ जो है वो सरकार ने नोटिफाई कर दिया अंडर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हालांकि इसके एक दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया इस नोटिफिकेशन के ऊपर इस नोटिफिकेशन के ऑपरेशन के ऊपर मतलब जो ये सरकार ने यहाँ पर नोटिफाई किया था इस नोटिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट जो है जो अमेंडेड रूल्स को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो पटिशन्स लगाई गई हैं जब तक उसका फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक ये नोटिफिकेशन लागू नहीं होगी और जस्टिस चंदूरकर ने अपनी हियरिंग जो है वो 8 अगस्त को कंक्लूड कर ली थी और अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था अब उन्होंने फैसला यहाँ पर सुनाया है अब वट वर दर्ग्यूमेंट्स हाँ बिफोर दी कोर्ट अब हाई कोर्ट के सामने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे तो एक स्टैंड अप कॉमिक आर्टिस्ट है दैट इज़ कुणाल कामरा जस्ट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स इन्होंने इन रूल्स की कंस्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और ये कहा कि ये रूल्स जो हैं वो मनमाने तरीके से बनाए गए हैं आर्बिट्रेरी हैं असंवैधानिक हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और फंडामेंटल राइट्स का ये कहीं ना कहीं वायलेशन या उल्लंघन करते हैं केंद्र का ये कहना था इसके जवाब में कि रूल्स वर नॉट अगेंस्ट एनी ओपिनियन क्रिटिसिज्म सटायर और ह्यूमर टारगेटिंग द गवर्नमेंट ठीक है तो यहाँ पर केंद्र का ये कहना था कि आप सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का अपना ओपिनियन दे सकते हैं क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कोई मजाक कर सकते हैं सटायर कर सकते हैं ह्यूमर कर सकते हैं तो उसके खिलाफ ये रूल्स नहीं हैं देवर मैंट टू प्रोस्क्राइब ओनली प्रोस्क्राइब और प्रोहिबिटेड द पेडलिंग ऑफ फेक फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स ठीक है तो सरकार का ये कहना था कि आप ये सब चीजें कर सकते हैं इसके खिलाफ ये रूल्स नहीं है यह रूल्स इस चीज़ के खिलाफ है कि कोई भी फेक फॉल्स या मिसलीडिंग फैक्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वो ना फैले ठीक है सरकार के बिजनेस से रिलेटेड तो ऑन वर्ड ग्राउंड डिट्स जस्टिस चंदूरकर स्ट्राइक डाउन द रूल्स अब जस्टिस चंदूरकर ने इन रूल्स को स्ट्राइक डाउन किया है तो वो किस आधार पर किया तो अपने जो इन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट को लेकर अपना ओपिनियन दिया तो जस्टिस चंदूरकर ने एग्री किया है जस्टिस पटेल के साथ है ना जिन्होंने रूल्स को स्ट्रक डाउन किया था और ये यहां पर पाया है कि जो अमेंडेड रूल्स थे दैट इज थ्री वन बी फाइव वॉज वायलेटिव ऑफ इन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल फोर्टीन का वॉयेशन है दैट इज इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नाइनटीन वन ए दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसका वॉयलेसन है और आर्टिकल नाइनटीन वन जी दैट इज राइट टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन और ट्रेड ठीक है कि हमारे संविधान में ये भी प्रोविजन है कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी मंशा का अपनी इच्छा का प्रोफेशन कर सकता है ठीक है अपनी इच्छा का प्रोफेशन या ट्रेड कर सकता है आर्टिकल नाइनटीन वन जी में दिया हुआ है ये भी एक तरीके का राइट टू फ्रीडम ही है तो इन तीनों का वायोलेशन यहाँ पर बताया है ही सेट दैट द इम्पेक्ड रूल्स कटेल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब अंडर आर्टिकल टू आपको पता होगा कि आर्टिकल के अंदर जितने भी रूल्स दिए गए हैं उन सबको लेकर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है आर्टिकल अंडर में ठीक है कि मतलब आप इन रूल्स को एक्सरसाइज तो कर सकते हैं मतलब इन राइट्स को एक्सरसाइज तो कर सकते हैं बट इस दायरे में रहकर एक दायरा या एक लिमिट दी गई है आर्टिकल नाइनटीन टू में तो यहां पर यह कहा गया है कि जो रूल्स यहाँ पर थे वो फंड जो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल नाइनटीन टू में दिए गए हैं उसके बियॉन्ड उससे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं कर्टेल कर रहे हैं ठीक है और ये चीज़ जो है वो थ्रू द मोड ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू इम्परमिसेबल है ऐसा नहीं होना चाहिए द जजेज द जज हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन फेक फॉल्स और मिसलीडिंग इन द रूल आर वेक एंड ओवर ब्रॉड कि ये जो टर्म्स या जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इस रूल में फेक फॉल्स और मिसलीडिंग ये बड़े ही वेग हैं ठीक है इनका कोई क्लियरली डिफाइंड मीनिंग नहीं है और इन्होंने यहाँ पर जस्टिस पटेल का जो व्यू था दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देयर इज नो फर्दर राइट टू द ट्रूथ ठीक है तो उन्होंने भी ये बात कही थी जस्टिस पटेल ने कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत कोई राइट टू द ट्रूथ नहीं है ठीक है इट वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू इन्श्योर दैट द सिटीजन आर एंटाइटल्ड ओनली टू इंफॉर्मेशन दैट वॉज नॉट फॉल्स फेक और मिसलीडिंग एज आइडेंटिफाइड बाई एफ सी यू तो उन्होंने ये कहा कि इट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यह सुनिश्चित करना कि सिटीजन्स तक सिर्फ ऐसी ही इंफॉर्मेशन पहुंचे जो फेक फॉल्स और मिसलीडिंग ना हो और उसको भी आइडेंटिफाई कौन कर रहा है फैक्ट चेक यूनिट तो ये स्टेट की अथॉरिटी या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ठीक इन्होंने ये भी कहा कि सेंटर्स क्लेम दैट द डिसीजन गिवन बाय दी यू कैन बी चैलेंज बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एडुकेट सेफ गार्ड तो बेसिकली उसमें यह प्रोविजन था कि फैक्ट चेक यूनिट को लेकर अगर उसके डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो आप उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तो इसको एक सेफ़ के रूप में नहीं माना जा सकता ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है एंड देयर फोर द रूल कैन नॉट बी सेव्ड बाय रीडिंग इट डाउन और मेकिंग अ कंसेशन ऑफ लिमिटिंग इट्स ऑपरेशन तो इसलिए इन रूल्स को ये नहीं कहा जा सकता कि आपने ये रूल्स जो है वो बना दिए रूल्स आपने पढ़ लिए उसमें आप ये कह रहे हैं इसका कि इसका ऑपरेशन जो है वो किसी तरीके से उसमें कोई कंसेशन वगैरह दिया जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता echoing the view views of justice patel justice chandurkar noted that the impugned rules resulted in a chilling effect on the intermediary due to the threat of losing safe harbor kyunki basically ye safe harbor wo uh, lose kar sakte hain to intermediary ke liye bhi ek chilling effect hai कि अब intermediary के पास अगर कोई भी ऐसी information post किसी ने कर दी जो अगर सरकार का मानना है या जो फैक्ट चेक यूनिट का मानना है कि ठीक नहीं है तो फिर एक डर हमेशा जो है वो ये इंटरमीडियरी के ऊपर भी बना रहेगा कि उसका सेफ हार्बर का जो प्रोविजन है वो लूज़ हो सकता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी असर पड़ सकता है तो इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन करना जो है वो ज़रूरी है एंड इट इज लाइबल टू बी स्ट्राइक डाउन कि इसका स्ट्राइक डाउन होना मतलब होना ही होना है अब व्हाट वाज़ द स्प्लिट डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट तो स्प्लिट डिसीजन तो मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ जस्टिस पटेल जो थे उन्होंने ये कहा था कि द पटिशनर्स वर करेक्ट इन सेग दैट द स्टेट कैन नॉट कोअर्सिवली क्लासीफाई स्पीच एज ट्रू और फॉल्स एंड कंपेल द नॉन पब्लिकेशन ऑफ द लेटर देर इज़ नथिंग बट दिस इज दैट इज़ नथिंग बट सेंसरशिप इन्होंने कहा था कि पटिश्नर जो हैं वो अपनी इस बात पर सही हैं कि स्टेट जो है वो किसी भी स्पीच को कोअर्सिवली मतलब जबरदस्ती ट्रू या फॉल्स क्लासीफाई नहीं कर सकती है ठीक है और अगर वो फॉल्स कह दे तो फिर उसको पब्लिश नहीं हो सकता है तो ये कुछ नहीं है दिस इज सेंसरशिप ऐसा इन्होंने कहा था इन अ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू अब इसके बदले में जो जस्टिस गोखले थे जस्टिस नीना गोखले उन्होंने क्या कहा उन्होंने ये कहा कि एलिजिंग बायस अगेंस्ट द मेंबर्स एफ सी यू मेयरली बिकॉज दे वर गवर्नमेंट अपॉइंटीज इज वॉज अनफेयर ठीक है कि अगर आप ये कहें कि जो एफ सी यू के मेंबर्स हैं वो बायस होंगे क्यों क्योंकि वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट उनको किया है तो ऐसा कहना अनफेयर होगा एंड रिकोर्स टू कोर्ट्स ऑफ लॉ वॉज ऑलवेज ओपन इन केस ऑफ एनी बायस और अगर कभी लगता है कि इस तरीके का कोई बायस वगैरह हुआ है तो कोर्ट्स में तो जाया ही जा सकता है ठीक है और याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस गोखले ने यह कहा था कि राइट ऑफ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री इज मीनिंगस टू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड आर नॉट मिसलेड बाई एनी मिस इन्फॉर्मेशन तो इनका ये कहना था कि जो सिटीजेंस अच्छा ये जस्टिस गोखले बेसिकली वो हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया था मतलब जिन्होंने इन रूल्स को ठीक पाया था है ना तो जस्टिस गोखले का यहाँ पर ये कहना है कि जो नागरिकों का अधिकार है रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का वो अर्थहीन हो जाता है वो मीनिंगलेस हो जाता है अनलेस एन अनटिल दे हैव एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ठीक है जब तक उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिले और वो किसी भी गलत जानकारी से गुमराह ना किए जाएँ तब तक उनका इस तरीके के पार्टिसिपेटिव और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है अब इस मामले में अब क्या है वट हैपन्स इन दिस मैटर नाउ तो जस्टिस चंदूरकर का जो ओपिनियन है उसने इस मैटर को पेटिशनर्स के फेवर में टू इज टू वन मेजोरिटी से सेटल से से कर दिया ठीक है पेटिशनर्स का यही कहना था कि ये फैक्चर यूनिट जो है वो क्या है अनकन्स्टिट्यूशनल है अब इनका जो ओपिनियन है दैट विल बी बिफोर अ बेंच ऑफ द टू जजेस विल फॉर्मली अनाउंस द द टू अगेंस्ट रूल ये प्रोसीजरल पार्ट है कि अब इसको एक डिविजन बेंच के सामने रखा जाएगा दो जजों की और फिर वो इस फैसले को फॉर्मली अनाउंस करेंगे एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गिवन दैट सिमिलर इशूज आर पेंडिंग बिफोर द डेली एंड मद्रास हाई कोर्ट्स टू अब इस फैसले को लेकर अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है क्योंकि इस तरीके के कुछ मामले दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है इसके बाद 2021 की जो गाइडलाइंस के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं वो भी कुछ और कोर्ट्स के सामने हैं अमंग द की प्रोविजन्स आर मैंडेट्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू सेटअप आ है ना कुछ की प्रोविजन्स में ये है कि सोशल मीडिया के लिए मैंडेट्री है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए उनकी उनको एक ग्रिव्यांस रेड्रेसल और कम्प्लाइंस मकैनिज़म जो है वो सेटअप करना है जिसमें क्या होगा कि एक रेसिडेंट ग्रीव्यांस ऑफिसर को अपॉइंट करना है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को जो है वो अपॉइंट करना है तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं अब आगे जाके इसको इसको लेकर क्या और चीज़ें निकल के आती हैं तो वो चीज़ें देखने वाली रहेंगी ठीक है आई होप बात समझ गए आप कि फैक्चर यूनिट को लेकर यहाँ पर बॉम्बे कोर्ट ने क्या कहा है किन आधार पर किन बेसिस पर जो है इसको स्ट्रक इस डाउन किया है ठीक है समझ गए बात फिर है चलो इसके बाद अगले आर्टिकल पर चलेंगे साइंस एंड टेक रिलेटेड आर्टिकल है हाउ आर ब्लाइंडिंग एस्ट्रोनोमर्स अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एलोन मस्क का जो स्टार लिंक है ये एस्ट्रोनॉमर्स के काम को इम्पीड कर रहा है इम्पीड कर रहा है मतलब उसमें किसी तरीके की कुछ रुकावट या बाधाएं पेश कर रहा है करेंटली जो स्टार लिंक का कॉन्स्टिलेशन है कॉन्स्टिलेशन मतलब आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स जिसमें 6300 से ज़्यादा वर्किंग सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं लगभग साढ़े पाँच सौ किलोमीटर के हाइट पर ये सैटेलाइट जो हैं वो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर अदरवाइज जो है वो इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता था एट द सेम टाइम दे ऑल्सो क्रिएट रेडियो नॉइज़ ये बहुत ज़्यादा रेडियो नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं रेडियो नॉइज कह सकते हैं आप अन इंटेंडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है बहुत ज़्यादा रेडिएशन क्रिएट हो रही है और इसी की वजह से जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्काई को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम दी अर्थ उनके काम पे जो है वो असर पड़ रहा है अब ब्लाइंडेड बाय लाइट अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी बेसिकली एस्ट्रोनॉमी की ऐसी ब्रांच है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ठीक है जैसे टेलीस्कोप्स होते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स होते हैं वो विजिबल लाइट को डिटेक्ट करते हैं उसी तरीके से जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं दे आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट रेडियो वेव्स ठीक है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी कम होती है तो दे आर एमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस तो जो भी रेडियो वेव्स को स्पेस के स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एमिट करते हैं तो उसकी ये स्टडी करते हैं अब लेकिन जिस तरीके से बहुत तेज़ अगर कोई विजिबल लाइट है तो वो ऑब्जर्वर को ब्लाइंड कर सकती है ठीक है अगर कोई बहुत तेज़ लाइट है उसको अगर आप देखेंगे तो आपके ब्लाइंड होने के अंधे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी अप्रोचिंग कार की ब्राइट हेडलाइट अगर आपकी आंखों में पड़ती है तो वो भी कहीं ना कहीं इरिटेशन करती है तो इसी तरीके की चीज़ जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज में भी हो सकती है ठीक है तो दिस इज़ असेंशली वाई रेडियो नॉइज़ इज़ अ प्रॉब्लम इसी वजह से ये रेडियो नॉइज जो है वो एक समस्या है तो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ऑब्जर्विंग वाइल अ सेटेलाइट इज़ इन अ फील्ड ऑफ व्यू इज लाइक ट्राइंग टू सी द फेंटेस्ट स्टार विजिबल टू द नेकेड नेक्स्ट टू द फुल मून ठीक है रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए किसी एक ऐसे सेटेलाइट को देखना जो उसके फील्ड ऑफ व्यू में है वो इस तरीके का है कि जैसे मान लीजिए कोई फुल मून है है ना पूरा का पूरा मून है और उसके बगल में कोई बहुत छोटा सा कोई बहुत फेंट स्टार है उसको देखना तो वो देख पाना बड़ा मुश्किल है ऐसे में अब नीड फॉर रेगुलेशन तो इसको लेकर यहाँ पर यह कहा गया है कि द रिसट स्टडी फाउंड दैट स्टार लिंक के जो सेकेंड जनरेशन सेटेलाइट्स हैं विच करेंटली अकाउंट फॉर लेस देन थर्ड ऑफ द नेटवर्क एमिट इट यू ई एम आर दैट इज अन इंटेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट लेवल्स थर्टी टू टाइम्स ब्राइटर दैन इट्स फर्स्ट जनरेशन सेटेलाइट अब यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि द थिंग्स माइट गेट वर्स चीज़ें जो है वो और ज़्यादा खराब हो सकती है क्योंकि स्टार लिंक के जो सेकेंड जनरेशन सेटेलाइट्स हैं ये फर्स्ट जनरेशन सेटेलाइट से बत्तीस गुना ज्यादा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं ठीक है अब मोर ओवर एज लॉन्चिंग सैटेलाइट बिकम्स चीपर सम एस्टिमेट दैट एज मैनी वन लैक सेटेलाइट कुड बी ऑर्बिटिंग अर्थ बाय ट्वेंटी थर्टी क्योंकि आज की डेट में अब सेटेलाइट को लॉन्च करना थोड़ा सा आसान हो गया है तो इसलिए एक एस्टिमेट ये कहता है कि 2030 तक लगभग एक लाख के आसपास सेटेलाइट जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे होंगे ये नंबर जो है वो लगभग 11,330 के आसपास था जून 2023 में ऐसा यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स ने बताया था एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दीज डेवलपमेंट्स सिग्नल द नीड फॉर रेगुलेशन फॉर सैटेलाइट ऑपरेटर्स जस्ट लाइक देयर एग्जिस्ट रेगुलेशन फॉर रेडियो पॉल्यूशन फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज लाइक सेल फोन टावर्स ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि इनका रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरीके से जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जैसे कि सेलफोन टावर्स वगैरह हैं तो उससे कितना रेडियो पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर रेगुलेशन हैं तो इसी तरीके से सेटेलाइट ऑपरेटर्स के लिए भी रेगुलेशन होने चाहिए अब करेंटली एस्ट्रोनॉमर्स के पास कोई और तरीका तो है नहीं तो वो क्या करते हैं दे आर लार्जली रिलायंट ऑन फोर्जिंग गुड फेथ इंटरेक्शन विद कंपनीज लाइक स्टार लिंक ठीक है ऐसी कंपनीज के साथ वो गुड फेथ इंट्रैक्शन रखते हैं जो स्पेस में सेटेलाइट को भेजते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं ठीक है तो रेडियो एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जो इतने सारे सेटेलाइट्स भेजे गए हैं और मतलब जो वहाँ पर घूम रहे हैं स्पेस में ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को उनसे इतना ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा है कि वो अपना जो काम यहाँ से है रेडियो एस्ट्रोनॉमी का है ना उसको ठीक से नहीं कर पा रहे ठीक तो है तो साइंस एंड टेक का आर्टिकल रहेगा समझ गए होंगे आई होप इसके बाद आज के दिन का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है दैट इज़ एफ एफ रिपोर्ट ऑन इंडिया एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ठीक है एफ की जो रिपोर्ट आई है इंडिया को लेकर और इसमें जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं उसके क्या महत्व या सिग्निफिकेंस है तो उसको लेकर हम यहाँ पर समझेंगे तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो वॉचडॉग है मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर जो नजर रखता है दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफ ये इंडिया को लेकर एक म्यूचुअल रिपोर्ट इसकी आई है इसमें इंडिया को जो है वो एक मतलब जिस कैटेगरी में रखा गया है दैट इज़ रेगुलर फॉलो अप कैटगरी तो एफ ने रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में तो इंडिया को रखा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंप्रूवमेंट भी यहाँ पर बताए हैं कि कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि द नीड टू तो स्ट्रेंथन प्रोसिक्यूशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग केसेस कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में प्रोसिक्यू प्रोसिक्यूशन जो है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए प्रोटेक्टिंग द नॉन प्रॉफिट सेक्टर फ्रॉम टेररिस्ट एब्यूज़ नॉन प्रॉफिट सेक्टर का टेररिस्ट एब्यूज़ नहीं होना चाहिए और सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स ठीक है जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए तो ये यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट जो है वो सजेस्ट किए गए हैं एफ ई टी एफ और इंडिया की मेम्बरशिप की अगर हम बात करें एफ ई टी एफ मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है ये पेरिस बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नाइनटीन एटी नाइन में फॉर्म हुआ था जी सेवन इनिशियटिव और क्यों हुआ था टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग पहले सिर्फ इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को ही देखना था 2001 में एफ ने अपने मैंडेट को बढ़ाते हुए टेरर फाइनेंसिंग भी इसमें शामिल कर ली एफ एक 40 मेंबर की बॉडी है इसने आउटलाइन किया हुआ एक फ्रेमवर्क ऑफ मेजर्स टू हेल्प कंट्रीज टेक्रीज टैकल इशियल फ्लोज ठीक है जो भी मतलब गैर कानूनी पैसे का लेन देन हो रहा है उसको टैकल करने में यह देशों को मदद करता है दीज आर लिस्टेड एज फोर्टी रिकमेंडेशन दैट आर डिवाइडेड इंटू सेवन डिस्टिंक्ट एरियाज तो ये जो फ्रेमवर्क है वो बेसिकली चालीस रिकमेंडेशन उसमें दिए गए हैं और साठ डिस्टिंक्ट एरियाज में वो बटे हुए हैं दैट इज एम एल और सी एफ टी पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केशन टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशिंग ऑफ प्रोलीफरेशन प्रिवेंटिव मेजर्स ट्रांसपेरेंसी एंड बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ लीगल एंड अरेंजमेंट्स, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो ये बेसिकली सात जो एरियाज हैं उसमें इनके चालीस रिकमेंडेशन डिवाइडेड है इंडिया जो है वो एफ का मेम्बर बनता है दो में और इस रिपोर्ट से पहले इंडिया ने जो है वो इवेल्यूएशन किया तो ये एफ ने इंडिया का इवेल्यूएशन किया था दो जून 2010 में मतलब जो अभी ये रिपोर्ट आई है उससे पहले उस समय भी इंडिया को जो है वो रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा गया था लेकिन उसके बाद इंडिया को एक फॉलो रिपोर्ट आई थी जून दो में तब इस कैटेगरी से हटा दिया गया था अब उसके बाद फिर पेंडेमिक आ गया और पेंडेमिक आने के बाद जो है वो एफ एफ के असेसमेंट प्रोसेस रुक गए तो नेक्स्ट राउंड ऑफ म्यूचुअल इवेल्यूशन जो है वो 2023 तक पोस्टपोन्ड हो गया इंडिया का जो ऑन साइड असेसमेंट है एफएटीएफ के द्वारा वो पिछले साल नवंबर में हुआ है और उसके बाद जो असेसमेंट है दैट केम अप फॉर डिस्कशन इस असेसमेंट इस असेसमेंट का डिस्कशन जो है वो जून 2023 की एक प्लेनरी डिस्कशन में किया गया है म्यूचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट्स को लेकर बात करें तो एफ बेसिकली क्या करता है कंट्रीज़ को मॉनिटर करता है ये इंश्योर करने के लिए कि वो एफ के स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से और इफ़ेक्टिवली फुल्ली और इफ़ेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एफ का जो म्यूचुअल इवेल्यूएशन है दे आर इन डेप्थ कंट्री रिपोर्ट्स दैट एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स टेकन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट एंड ट्रॉलीफ्रेशन फाइनेंसिंग ठीक है कि कोई भी देश जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट किस तरीके से कदम उठा रहा है ठीक है जो मेजर्स हैं उनको कितना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको मॉनिटर करता है अब ये रिपोर्ट जो है देश दीज आर बेसिकली पीयर रिव्यूज़ रिपोर्ट ठीक है जहाँ पर अलग अलग देश के जो अ, मतलब अलग अलग देशों के जो मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे को एसेस करते हैं और किसी कंट्री की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम को एनालाइज करने के बाद म्यूचुअल इवेल्यूशन जो हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं ताकि किसी भी देश के सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन या मजबूत किया जा सके अब इंडिया की रैंकिंग की अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो रे जो रेगुलर फॉलो अप रैंकिंग है इज़ बीइंग सीन एज अ फेवरेबल आउटकम बाय न्यू दिल्ली ठीक है इसको दिल्ली की तरफ से मतलब इंडिया की तरफ से तो देखा जा रहा है कि ये एक फेवरेबल आउटकम है लेकिन कुछ देशों ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन जो हैं वो रेज किए हैं जो रेगुलर फॉलोअप रेटिंग है ये अभी सिर्फ चार देशों के पास है चार जी ट्वेंटी कंट्रीज के पास है दैट इज यूके फ्रांस इटली और रशिया ठीक है रशिया को हालांकि जो है वो इससे सस्पेंड कर दिया गया है एफ से फरवरी 2023 में और ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इन्हेंस्ड फॉलो अप कैटेगरी में है इन्हेंस्ड फॉलो अप कैटेगरी में क्या होता है कि हर साल आपको अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है और रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में जो है वो तीन साल में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है अब इंडिया के लिए इम्प्रूवमेंट एरियाज की अगर बात करें तो एफ में अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो मेन सोर्स है इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है वो देश के अंदर से ओरिजिनेट होता है एंड द कंट्री फेजेज आर डेस्परेट रेंज डेस्परेट रेंज ऑफ टेरर टेररिज्म थ्रेट्स फ्रॉम रीजनल इंसर्जेंसी कि रीजनल जो इंसर्जेंसी हो रही है जैसे नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में या लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की वजह से वहाँ से टेररिज्म के थ्रेट जो, है वो हैं।, जो के के थ्रेट हैं वो पैदा होते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट जो टेररिज्म के या टेरर के थ्रेट्स हैं वो इस्लामिक स्टेट या अलकायदा लिंक्ड ग्रुप्स जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास एक्टिव हैं या वहाँ पर एक्टिव जम्मू कश्मीर में या उसके आसपास एक्टिव हैं उनसे जो है वो सबसे बड़ा आतंक का खतरा भारत को महसूस होता है इंडिया का जो सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है दे आर रिलेटेड टू फ्रॉड इंक्लूडिंग साइबर इनेबल्ड फ्रॉड ठीक है सबसे बड़ा जो मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है वो साइबर इनेबल्ड फ्रॉड की वजह से करप्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से है एफ ने एनलिस्ट किए हैं कुछ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट कुछ एरियाज जहां पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ कस्टमर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम की जो रजिस्ट्री है फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनर इन्फॉर्मेशन उसकी मॉनिटरिंग एंड द लिंक बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ये सब चीज़ों को लेकर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये यहाँ पर बताया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए एफ का कहना है कि इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि मेजर्स एम्ड एट प्रिवेंटिंग द सेक्टर फ्रॉम बींग एब्यूज बाई टेर फाइनेंसिंग आर इम्प्लीमेंटेड कि ऐसे जो भी कदम उठाने हैं कि इस सेक्टर को एब्यूज होने से मतलब इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग की वजह से जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए कदम जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर मेजर चेंजेस टू एड्रेस डिलेज इन प्रोजिक्यूशन ऑफ टेरर फाइनेंसिंग केसेस कि टेरर फाइनेंसिंग केसेस में जो केस वगैरह चलने में प्रोसिक्यूशन में जो बहुत ज़्यादा डीले हो रहा है उस डीले को एड्रेस करने के लिए भी कुछ मेजर चेंजेस करने की बात यहाँ पर की गई है ठीक है तो आई होप एफ एफ ने यहाँ पर भारत को क्या क्या कहा है है ना और क्या जो यहाँ पर कैटेगरी भारत की दी गई है दैट इज़ रेगुलर फॉलो अप कैटगरी उसका क्या मतलब है आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे ठीक है चलिए तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे है ना और कल मैं शायद एक इस तरीके का कमेंट पढ़ रहा था जिसमें यह कहा गया था कि सर आप इकोनॉमी के न्यूज़ को भी कवर करते रहिए तो देखो इकोनॉमी की न्यूज़ इज़ ऑलवेज़ नॉट ऑन द इकोनॉमी पेज कभी कभी एक्सप्लेन पेज के भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं तो वो भी इकोनॉमी न्यूज़ ही है ठीक है ये ध्यान रखें इकोनॉमी की न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूज़ जो सिर्फ इकोनॉमी के पेज पर आ रही है ठीक है इकोनॉमी के पेज पर ज़्यादातर न्यूज़ ऐसी होती हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ तो व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती ठीक है उसमें कुछ बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ भी होती है तो आप ये बात को समझ के चलिए कि इकोनॉमी अगर आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बात करें तो कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी आते हैं एक्सप्लेन वगैरह के आर्ट पेज पे जो इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं तो दे आर ऑल्सो इकोनॉमी न्यूज़ ओनली ठीक है और जो भी आर्टिकल्स काम के होते हैं रेलिवेंट होते हैं वो हम लोग कवर करते हैं जैसे कल का न्यूज़पेपर था उसमें एज सच कोई आर्टिकल था नहीं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट रहा हो तो इसलिए हम लोगों ने कल सेशन नहीं लिया ठीक है अब जैसे कल भी संडे है तो संडे के दिन भी जनरली ऐसा ही होता है है ना तो इसलिए संडे को भी फिर हम लोग आजकल पिछले कुछ समय से जो है वो सेशन नहीं ले रहे हैं अब देखेंगे अगर कुछ आर्टिकल होगा तो वी विल टेक द सेशन अदरवाइज वी विल टेक एन ऑफ़ ठीक है और ये ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपको एक ऑफ दिया जा रहा है या सेशन थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो टाइम को आप कहीं ना कहीं और यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें ये ना माने कि ये एक घंटा डेढ़ घंटा जो है वो सोने के लिए मिल गया एक्स्ट्रा ठीक है आप लोगों के लिए सोने के लिए अभी समय नहीं है कम तो से कम एटलीस्ट अगले एक, एक डेढ़ दो साल तक जब तक आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिर्फ लिमिटेड टाइम है सोने के लिए बाकी कहीं पर भी अगर आपको किसी भी चीज से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो यू हैव टू यूटिलाइज इट समवेयर और दी अदर कहीं ना कहीं पर आपको उस समय का जो है वो उपयोग करना है बल्कि सदुपयोग करना है ठीक है चलिए तो आप में से जो भी लोग आ, हमारे आइना सीरीज के कंपाइल्ड पी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप मंथली लेना चाहें तो लेस देन रुपीज़ टू पर डे में आपको ओनली एट फिफ्टी नाइन रुपीज़ में मिल जाता है जून जुलाई अगस्त सब कुछ लॉन्च हो चुका है अगले महीने से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मंथली पी थोड़ा सा जल्दी लॉन्च किए जाएँ और इसके लिए और बाकी अगर आप देखें तो सोलह महीने की पी अगर आप लेना चाहें तो अवेलेबल है सिक्स एट्टी में बारह महीने की पी डी में आठ महीने की तीन सौ पैंतालीस थ्री फोटी फ़ाइव में और चार महीने की वन सेवेंटी फाइव में तो आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं इसके बाद आप हमारे अगर वीडियो कोर्स मतलब आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर में और अगर आपने हमारे आप किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप हमारे ऐप के थ्रू जाके वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं ठीक है बाकी हमारा सरीज के जो मंथली कोर्सेज हैं मंथली थ्री मंथ सिक्स मंथ्स के ये सभी अवेलेबल हैं इनमें से आप जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं है ना और इसी तरीके से लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी हैं और लास्ट ईयर के हम आपको एक पी भी दे रहे हैं फोर नाइन्टी में आपको कम्प्लीट पी मिल रही है एक साल की जुलाई दो से जून दो तक की तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड है तो एनरोल कर सकते हैं ठीक है और सारे के सारे कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स हमारे वेबसाइट और ऐप पर आपको लिस्टेड मिल जाएंगे और कहीं पर अगर कोई तकलीफ़ है तो आप कोई लिंक वगैरह आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है ना चलिए बाकी हमारा ये जो बैच है ये पाँच अक्टूबर से शुरू होने वाला है तो जिन भी लोगों का एनरोलमेंट हो चुका है मतलब जिन्होंने भी पैसा पे कर दिया है एनरोलमेंट हो चुका है तो उनके लिए अब हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे बहुत जल्द और बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो वहीं के थ्रू कम्युनिकेट की जाएगी और बाकी जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो आई हमसे कॉन्टेक्ट करें क्योंकि इसका पब्लिकली एनरोलमेंट फ़िलहाल बंद है तो एनरोलमेंट को अगर हम लोग देखेंगे अगर बहुत सारे लोगों की डिमांड होगी तो एनरोलमेंट को एक दो दिन के लिए खोला जाएगा और आप यहाँ पर अपनी जो रिक्वेस्ट है एनरोलमेंट अगर आपका चाहते हैं आप करवाना तो ये जो नंबर यहाँ पर दिया गया है नाइन इस पर आप अपनी रिक्वेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं ठीक है चलिए बाक़ी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे सेशंस जो है वो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हमारे हमें ज़रूर करें ये क्यू आर कोड और यू पी आई आई डी दी गई है ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और आप लोगों के लिए भी ये सेशंस लंबे समय तक चल पाएंगे तो चलिए अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके जो भी डाउट्स हैं जो क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें और साथ ही साथ अपना प्यार अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफ़ेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस क्यू कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी कल को नहीं तो अदरवाइज मंडे को हम लोग फिर से मिलेंगे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय बाय